जैसा जैसा कि आपको पता लग गया होगा कि हम आज क्या बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी के बारे में आज बात करेंगे और पूरी कैसे अनअकैडमी पे एजुकेटर बनने हैं, कैसे एजुकेटर बनते हैं, उस पर हम आज पूरी डिटेल में आपको बताएंगे। कैसे अनअकैडमी पे आप पढ़ाते हैं, कैसे अनअकैडमी पे आप टीचर बन सकते हैं और कैसे आप अर्निंग कर सकते हैं, अच्छी खासी आप अनअकैडमी से अर्निंग कर सकते हैं और बस आपको थोड़ी आपको वर्क करना पड़ेगा। तो अनअकैडमी में दो ऐप है, एक है आपका लर्निंग ऐप और एक है आपका एजुकेटर ऐप जो टीचर्स के लिए है, ठीक है। तो उसमें आपको क्या करना है, प्ले स्टोर से पहले हम एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, अनअकैडमी एजुकेटर ऐप हम डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से। उसके बाद क्या क्या चाहिए आपको, एक जीमेल रजिस्टर करना पड़ेगा, जीमेल आपके पास होना चाहिए और आपका कुछ वेरिफिकेशन करेगा, डिटेल भरना पड़ेगा आपको, आपको नाम भरना पड़ेगा अपना और ईमेल आईडी से कुछ रजिस्टर करने के बाद हम आगे प्रोसेस करेंगे क्या क्या करना है। इसमें क्या है, आपको क्या करना है, पहले आपको एक डेमो देना है, डेमो देना है 3 मिनट का, आपको एक डेमो देना है। डेमो कैसे बनाते हैं, उसमें आपको एक कोई भी टॉपिक आप जो भी पढ़ाते हैं, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो भी आप पढ़ाना चाहते हैं उस टॉपिक पे एक 3 मिनट का वीडियो बनाइए, मतलब 3 मिनट का आप लेसन बनाइए, डेमो बनाइए। बनाने के बाद आपको क्या करना है, अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद वो आपको उसका वेरिफिकेशन करेंगे, अनअकैडमी क्या करेगी, उसका वेरिफिकेशन करेगी और पता चल जाएगा आपका कितने नंबर के बाद आपका वो डेमो आपका रिव्यू होने वाला है, मतलब कितने लोगों के बाद आपका नंबर आने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चलिए हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। पहले हम प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं। तो हम आ गए अपने मोबाइल स्क्रीन पर, यहाँ प्ले स्टोर में आपको सर्च करना है अनअकैडमी एजुकेटर ऐप, ठीक है। ध्यान है, देखिएगा आप लर्निंग ऐप मत डाउनलोड कर लीजिएगा, इसका आप लोगो देख सकते हैं, इसका लोगो कैसा है, ठीक है। तो मैंने इसमें ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, इसको मैं ओपन करूँगा, ठीक है। चलिए ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या क्या आपसे ये फिल करवाने वाला है, नाम, ईमेल आईडी और पासवर्ड, रजिस्टर पहले आपको करना है, ठीक है। तो चलिए हम पहले रजिस्टर करते हैं। रजिस्टर करने के लिए आपको यहाँ पर अपना नाम, जो भी आपका नाम हो वो आप यहाँ पर फिल करिए और ध्यान रहे जो आपका आधार कार्ड या पैन कार्ड पर जो नाम हो वही नाम यहाँ पर फिल करना, गलत नाम आपको यहाँ पर एंटर नहीं करना है, नहीं तो आगे जाके आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो चलिए हम अपने आप पर यहाँ पर हम फिलअप करते हैं अपना नाम, जो भी आपका नाम हो यहाँ पर फिलअप करिएगा। यहाँ पर आपको ईमेल आईडी फिल करना है। ईमेल आईडी फिल करने के बाद आप कोई भी पासवर्ड रख सकते हैं, पासवर्ड आपको अपना कोई भी चूज कर लेना है। तो आप भी कोई एक पासवर्ड, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आप बना लेना अपना, क्या क्या आप पासवर्ड रखते हो आप खुद बना लेना। मैं यहाँ पर पासवर्ड अपना डाल रहा हूँ, ठीक है। अब पासवर्ड डालने के बाद अब क्या करना है, आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद यहां पर आपको क्या करना है, वेयर कैन वी रीच यू, मतलब आपका अपना कहां से हैं आप, अब आपके यहां पर मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो यहां पर आप मोबाइल नंबर इंटर करेंगे, तो यहां से हमने अपना नंबर इंटर कर लिया है। अब आगे देखते हैं, यहाँ से आपका इंटर वेरिफिकेशन कोड यानी OTP आएगा जो आपको इंटर करना है, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर अपना OTP इंटर करके करता हूँ। तो OTP इंटर करने के बाद यहाँ पर देखिए ये आपका बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए स्टेप दिखा रहा है, प्रोफाइल, बायो और डेमो, यहाँ पर आ रहा है हाय मोनू, ठीक है। तो यहाँ से आपका करना है थोड़ा सा और एडिट कर सकते हैं, यहाँ पर जाके अपना आप नाम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी और यूजर नेम, देखिए यहाँ पर देखिए आपका यूजर नेम यहाँ पर मिल गया आपका, यही आपका क्या है, यूजर नेम है, ठीक है। तो यहाँ से जाके आप, यहाँ से आप अपना प्रोफाइल पिक्चर भी लगा सकते हैं,
ठीक है, यहाँ पर देखिए अलाउ मांग रहा है, अलाउ कर दीजिए। तो फर्स्ट यहाँ पर वेरिफिकेशन हो गया प्रोफाइल आपका। अब यहाँ से बायो पूछा जा रहा है, टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट योर सेल्फ एंड योर, जो भी यहाँ पर दिया हुआ है आपका, ये अपना डिटेल अपने बायो में आपके बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आप क्या फील करना चाहते हैं अपने बारे में कुछ यहाँ पर लिख लीजिए, टाइप कर सकते हैं का योर एजुकेशनल बैकग्राउंड, हाँ, क्रेडिबल क्राइटेरिया टीचिंग एक्सपीरियंस, ठीक है, क्रेडिटेरियल टीचिंग एक्सपीरियंस, ठीक है, अपना बैकग्राउंड अपना टीचिंग एक्सपीरियंस आपको बताना है। जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ, आई हैव कंप्लीट, आई हैव कंप्लीटेड MSc केमिस्ट्री केमिस्ट्री आई हैव कंप्लीट एम केमिस्ट्री इन DDU GKP, ठीक है, एंड आल्सो 4 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस, ठीक है। यहाँ से आप और भी चाहें तो आप लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना लेटर आपको टाइप करना है, यहाँ पर मेंशन किया गया है, ठीक है, मिनिमम 21 लेटर आपको यहाँ पर क्या करना है, टाइप करना है। तो और भी कुछ लिख सकते हैं यहाँ पर, प्रिपेशन एंड आल्सो प्रिपेशन फॉर NTA CSIR नेट, ठीक है। तो यहाँ से आप अपना एक्सपीरियंस आपने यहाँ पर जो भी टाइप का एक्सपीरियंस है यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एरो बन गया, ठीक है। तो यहाँ से आपको यहाँ पर इसको क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पर दे रहा है आपको, यहाँ पर टाइप हुआ है, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, क्रिएट अ 3 मिनट डेमो लेसन आपको अपने टॉपिक से। जैसे मैंने यहाँ पर अपना टाइप किया था MSc केमिस्ट्री एंड आल्सो 4 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस एंड आल्सो प्रिपरेशन फॉर नेट NTA CSIR नेट, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जो भी टॉपिक आपको यहाँ पर पढ़ाना है वो टॉपिक आपको यहाँ पर उस टॉपिक को चूज करना है। चूज करने के इसके बाद आपको 3 मिनट का डेमो, मतलब आपको अपना राइट करना है, राइट करने के बाद डेमो बनाना है, डेमो बनाने के बाद आपको अपलोड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं आगे कैसे करना है। इसमें देखिए यहाँ पर टिप्स क्रिएट ग्रेट एजुकेशनल लेसन, कैसे आप ये बना सकते हैं यहाँ पर, यहाँ पर जो भी चीज़ दे रखा है वो भी दे रहा है, जो यहाँ से डेमो वीडियो भी देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको A4 साइज पेपर लेना है। क्या करना है, A4 साइज, आप चाहें तो इसको अच्छे से लर्न कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं इसके बारे में कैसे कैसे क्या करना है। तो बस इसमें आपको क्या करना है, चलिए हम देखते हैं आगे। देखिए अब यहाँ पर क्या रहा है, वाट वुड यू लाइक टू टीच, अब आपको टॉपिक चूज करना है कि आपको क्या पढ़ाना है, ठीक है। अपना कोई भी केमिस्ट्री से, अब मान लीजिए आपको क्लास का पढ़ाना है 6 से लेकर 12 तक, आप किस क्लास को केमिस्ट्री पढ़ाना चाहते हो, कोई भी टॉपिक आप चूज कर सकते हो। आपको बस अपने, जैसे मान लीजिए आपने ये किया है कि MSc केमिस्ट्री से किया है, तो आप केमिस्ट्री को ही अपने बैकग्राउंड से ही चूज़ करना है, ये नहीं कि आप
आर्ट्स साइंस का कोई सब्जेक्ट जैसे इको या हिस्ट्री या ज्योग्राफी लेके आप डेमो दे दें, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जिस बैकग्राउंड से आप है उसी बैकग्राउंड से आपको टॉपिक चूज करना है, यहाँ पर लेसन बनाना है। तो यहाँ पर लेसन आपको बनाना है तो कोई भी यहाँ पर आप टॉपिक चूज कर लें, जो सबसे जो अच्छे से सबको आपको आता हो वही टॉपिक आप चूज करना, जिस टॉपिक पर सबसे ज़्यादा आपका कमांड हो, जिसके बारे में आपको अच्छे से पता हो, जिसके बारे में 3 मिनट आप अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर पाओ, वही टॉपिक आपको चूज करना है। तो हमने यहाँ पर ले लिया मोल कंसेप्ट, यहाँ पर मोल कंसेप्ट टॉपिक चूज कर लिया। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है, आगे जाना है आपको, यहाँ पर क्लिक करना है लेट्स गो फुल स्क्रीन। अब आपको क्या करना है, यहाँ से A4 साइज पेपर आपको लेना है, उसको आप राइट करना है। क्या करना है, राइट करना है। कैसे करना है राइट, अब मैं आपको एग्जांपल करके दिखाता हूँ। आपको A4 साइज पेपर आपको दिख रहा है, ठीक है, क्या करना है आपको, ऐसे ही आपको यहाँ पर राइट कर लेना है जो भी आप बनाना चाहते हो, ठीक है, जो भी आप यहाँ पर बनाना चाहते हो, जो भी टॉपिक आपका है, जैसे मैंने यहाँ पर टॉपिक चूज किया था मोल कंसेप्ट, ठीक है। तो आपको भी कोई भी टॉपिक चूज कर लेना, ध्यान रहे डेमो बनाते समय आपको वन साइड ही लिखना है, जैसे A4 साइज पेपर में एक साइड आपको नहीं लिखना है, ठीक है, एक साइड आपको नहीं लिखना है, बस एक ही साइड आपको लिखना है, ठीक है, ये अनअकैडमी का रूल है। तो यहाँ से आप इसको तीन, कम से कम आप 3 पेज का या 2 पेज का आप सोच सकते हैं कि 3 मिनट में आप क्या बता सकते हो, ठीक है, जितना आप बता सकते हो 3 मिनट में वो आपको क्या करना है यहाँ पर, तो 3 मिनट के डेमो आपको बनाना है, जो भी टॉपिक आप चूज करना चाहते हो चूज कर लो। और मैंने बताया कि A4 साइज पेपर लेना है, A4 साइज पेपर लेने के बाद अब देखिए आगे इसमें क्या करना है आपको, आपने तीन आपने ले लिया, आप 3 पेज पर कम से कम आप राइट करिए, जो भी टॉपिक चूज कर रहे हो 3 पेज पर उसको आप लिख लीजिए। उसको क्या करना है, आपको प्ले स्टोर से कैम स्कैनर एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, उस पेपर पे आपको एक साइड ही लिखना है, मैंने बताया अभी वन साइड लिखना आपको, और उसको से कैम स्कैनर से PDF में कन्वर्ट करते हैं, मतलब किसी भी इमेज या फोटो को कैम स्कैनर का यूज़ करके PDF में कैसे कन्वर्ट करते हैं। PDF में कन्वर्ट आपको नहीं करना है, बस वहाँ पर मैजिक कलर सेलेक्ट करके पेपर को क्रॉप्ट कर लेना है, ठीक है। करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जाना है आपको, ये प्लस का सिंबल दिख रहा है, अब यहाँ पर देखिए टेक फोटो चूज फ्रॉम गैलरी और एड PPT आर PDF, चाहे तो आप PPT बना लें या PDF बना लें, बट मेरे अकॉर्डिंग आप चूज फॉर गैलरी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप कोई भी जो भी आप यहाँ पर आपने बनाया है उसमें जो भी आपने बनाया है पेपर पर लिखा है उसमें आपको यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या करना है आपको, मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पर आपको गैलरी में आ जाता है तो आपको 3 पेपर डेमो के लिए सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर देखिए कॉर्नर में दिख रहा है डन का ऑप्शन, डन कर दीजिए। डन करने के बाद इसको आप चाहें तो इसको थोड़ा इसको क्रॉप्ट करके आप सही कर सकते हैं, पहले इसको देखिए थोड़ा रोटेट करते हैं, इसको रोटेट करने के लिए आपको ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है, और इसको आप सही कर लें, ठीक है। मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, आपको अपना टॉपिक चूज करना है, ओके। अब यहाँ पर देखिए इसको भी थोड़ा रोटेट करके इसको लैंडस्केप में कर लेते हैं, करने के बाद टिक कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ से देखिए फिर से अगेन यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको सही कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ से अब 3 स्लाइड आप 3 मिनट में क्या क्या समझा सकते हो उसको आप यहाँ पर ऐड कर लेना है, 3 स्लाइड, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, राइट साइड में आपको नीचे कॉर्नर पर देखिए यहाँ पर रिकॉर्डर दिखा रहा है, ठीक है। रिकॉर्डर के लिए क्या करना है आपको, तो यहाँ से हमने इसको क्रॉप्ट कर लिया और इसको आगे देखें। अब यहाँ देखिए नीचे कॉर्नर पर रेड आपका एक दिखा रहा है, रेड सिंबल का दिखा रहा है, तो यहाँ से इस आइकन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपसे अलाउ मांगा जाएगा, अलाउ कर दीजिए आप। अलाउ करने के बाद आपको नेक्स्ट करना है, यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करिए, ठीक है, यहाँ पर देखिए, ठीक है, नेक्स्ट करते जाइए। ये जो भी करता है आप इससे इसको थोड़ा आप इसको कर लेना है ऐसे। अब यहाँ पर देखिए स्टार्ट आ रहा है, स्टार्ट रिकॉर्डिंग, क्या आ रहा है,
स्टार्ट रिकॉर्डिंग। यहाँ से आप देखिए, यहाँ 1 2 3 डेमो, आपका ये डेमो शुरू हो गया। अब 3 मिनट के अंदर जो भी आप यहाँ पर स्लाइड बना रहे हो उसको आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। देखिए यहाँ पर आप इसको यूज कर सकते हैं, आप इसको ड्रा करने के लिए ऐसे यूज कर सकते हैं, या ये वाला आपको बेटर होगा कि ये वाला भी, इससे भी आप इसको समझा सकते हैं, ठीक है, या इससे आप समझा सकते हो। यहाँ पर देखिए इससे आप इसको आपको समझाना है इस तरह से, ठीक है। 3 मिनट का मौका आपको मिलने वाला है, यहाँ पर देख ले टाइम चल रहा है, टाइम, ठीक है। फिर क्या करना है आपको, यहाँ से आपको ये 3 पेज या 2 पेज जो भी आप सेलेक्ट कर रहे हैं आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग आप क्या कर पाते हो, यहाँ पर देखिए टाइमर चल रहा है आपको, 3 मिनट के बाद ऑटोमेटिक ये सेव हो जाएगा, ठीक है। बट मैं यहाँ पर रिकॉर्ड इसको नहीं करूँगा, आपको 2 पेज 3 पेज जितना स्लाइड आपको यहाँ पर ऐड करना है, कैसे ऐड करना है मैं सब बता दिया, कैसे आप इसको ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो आप इसको करने के बाद ये आपका आपका ये रिव्यू में दिखाएगा, रिव्यू में का मतलब क्या दिखाएगा, यहाँ पर मैं इसको फिनिश करता हूँ रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, अब आपको जब ये आपका ये सबमिट कर दोगे, डेमो सबमिट कर दोगे, तो आपको उसमें दिखाएगा कि कितने लोगों के बाद आपका नंबर आने वाला है। रिव्यू मतलब आपका वीडियो जो भी आपने डेमो दिया है ये कितने लोगों के बाद आपका रिव्यू, मतलब आप अनअकैडमी वाले आपका वीडियो इसको चेक करेंगे और आपका जो क्या है सिलेक्शन होगा आपको ये बताएंगे, ठीक है। मैक्सिमम 1 से 2 दिन के अंदर, मतलब वर्किंग डे के अंदर आपको ये रिजल्ट आ जाता है, आपको मैसेज आ जाएगा कि आपको अनअकैडमी इसका सिलेक्शन कर लिया गया है, ठीक है। तो बाद अनअकैडमी आपको मैसेज ईमेल करेगी कि आपका सिलेक्शन हो गया है। सिलेक्शन होने के बाद आपको कम से कम आपको जो भी टॉपिक आपको सेलेक्ट करना है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कैसे आपको टॉपिक सेट करते हैं, क्या पढ़ाना चाहते हैं आप, किस फील्ड से हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट पार्ट में हम बताएंगे कि सिलेक्शन होने के बाद अनअकैडमी पर अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको क्या करना है, कैसे आप लेसन तैयार करते हैं, कैसे लेसन बनाते हैं, क्या करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम प्रोवाइड कराएंगे, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। आप कमेंट में बताइए आपको क्या चाहिए, क्या प्रॉब्लम है, कमेंट करके बताइए आपको कहाँ समझ में नहीं आया, कमेंट करो, उसके अकॉर्डिंग हम वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।